नमस्कार, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी का पहला अध्याय जो है भाषा। भाषा मतलब लैंग्वेज। आप बताइए कि आप डेली रूटीन में अपनी बात यानी अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से किस प्रकार शेयर करते हैं, बताइए। जी हाँ, आप उन्हें बोल कर बताते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसी को हम कहते हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज। वैसे तो हम अपनी बात को कभी कभी इशारों से यानी कि बिना बोले बता सकते हैं, लेकिन वो तो कठिन होगा। ऐसे में सब लोग आपकी बात नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसलिए हमें ज़रूरी है किस चीज़ की, लैंग्वेज की, भाषा की। यानी कि भाषा वो मीडियम है, वो माध्यम है मनुष्य अपने विचारों को यानी थॉट्स को, भावों को यानी फीलिंग्स का आदान प्रदान करता है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। आपको ये बात पता चली कि भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। आपको अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करनी है तो आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस मीडियम की, उसे हम कहते हैं भाषा अर्थात लैंग्वेज। अब हम आते हैं लैंग्वेज यानी कि भाषा के फॉर्म पे। भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। मौखिक यानी ओरल और लिखित यानी रिटन। कई बार आपने बताया होगा अपनी मम्मा को कि टीचर ने मम्मा मुझे ये बोला है कि कल ऐसा करना है, कल वैसा करना है, कल वो लेसन पढ़ाने वाली मम्मा बहुत अच्छे से समझ जाती हैं, है ना। तो इसे हम कहते हैं ओरल फॉर्म, मौखिक रूप भाषा का, जिसमें आप अपनी बात को बोल करके सामने वाले को बता सकते हैं और सामने वाला आपकी बात को समझ जाता है। यानी कि भाषा का मौखिक रूप, यही रूप तो सबसे पहले मनुष्य ने बोलना सीखा था, मालूम है। और ये भाषा का मूल रूप कहलाता है। यदि हम एग्जांपल्स लें तो आपके स्कूल में कई बार डिबेट कंपटीशन, पोएम रेसिटेशन, स्टोरी टेलिंग कंपटीशन या कभी कभी न्यूज़ रीडिंग, ये सब आपने सुना होगा, है ना। तो वो सारे चीज़ें जो हैं भाषा का कौन सा फॉर्म है, मौखिक ओरल फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं भाषा के दूसरे फॉर्म पे जो है भाषा का रिटन फॉर्म यानी कि लिखित रूप। लिखित रूप जो कि आपने कई बार देखा होगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है, और आप उसे पढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ आप लिख कर अपनी बात को बताते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसे हम कहते हैं भाषा का दूसरा रूप अर्थात लिखित रूप, ठीक है। इसके उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिए, जैसे कि लेटर यानी कि पत्र, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं जैसे कि मैगजीन्स, है ना, ये सारे हो गए भाषा के लिखित रूप। अब